अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ शाही फिरनी। शाही फिरनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ओकेशन पे बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए जब हम दूध वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं बहुत स्पेशल स्पेशल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टू केजी दूध लिया है। इसको बॉईल करने के बाद में मैंने इसको ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी मोटी मलाई जमी हुई है। हमें इतना ही फैट मिल्क जो है फुल फैट होना चाहिए। इसके अलावा हमने सिर्फ 100 ग्राम चावल लिए हैं और 100 ग्राम चावल को लेकर इनको भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए और अब ये पकने के लिए तैयार हैं। तो इसको हम पीसेंगे दूध डालकर। 200 ग्राम हमने शुगर ली है। शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ होता है तो मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून पिस्ता। इसको हमने बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने लिया है बादाम, इसको भी हमने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने मुनक्का लिया है, बीज के साथ लिया है, इसके बीज हम निकाल देंगे। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है हमने चिरौंजी। 2 टेबल स्पून हमने काजू लिए हैं और काजू को भी हमने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमने 2-3 इंच का नारियल का टुकड़ा लिया था, इसको हमने ग्रेट कर लिया है बारीक तरफ से। बहुत ज़्यादा बारीक जो है साइड होती है, क्योंकि 2-3 साइडें होती हैं, हमने बारीक तरफ से इसको ग्रेट किया है। और 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हमारे पास है किशमिश। 5 हमने छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची ली हुई हैं। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम हमने मावा यानी कि खोया लिया है और कुछ कतरे डालेंगे हम केवड़ा एसेंस के। तो सबसे पहले हम अपने दूध को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक हैवी बॉटम में, क्योंकि इसका जो दूध है काफ़ी देर तक हमें पकानी होती है फिरनी, और जितनी पकती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई जमी हुई है, वो मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। और इसमें से हम थोड़ा सा दूध बचाएंगे इसलिए क्योंकि चावल हमें दूध के अंदर ही ग्राइंड करने हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह बनाने हैं। ये देखिए मैंने 1 कप के करीब दूध बचा लिया है। दूध को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें हमने पानी नहीं डाला था, बिना पानी का दूध गर्म किया हुआ था। और इसमें अब भी हम पानी नहीं डालेंगे बल्कि इसी तरीके से इसको हम गर्म कर लेंगे यानी कि उबाल लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें ही फिरनी बनानी है। तो अब हम चावल ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें मैं एक छोटे जार में मैंने चावल डाल दिए हैं, इसी में हम दूध डाल लेंगे और दूध डालकर इसको बहुत ही फाइन ग्राइंड कर लेंगे। चावल को हमने ग्राइंड कर लिया है और अब हम दूध में बॉईल आने का वेट करेंगे। दूध में हमारे उबाल आ गया है तो गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर अब ये चावल जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं इसको डालते जाएंगे और इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे। और अब हमें चम्मच तब तक नहीं रोकना जब तक कि ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाती। इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे रेगुलर, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्पेशल ओकेशन की ही रेसिपी है। इसे बहुत ज़्यादा जब बहुत अच्छे मेहमान आए हुए होते हैं या फिर बहुत स्पेशल मेहमान आने वाले होते हैं तब इसको बनाया जाता है। तो आप भी इसको अपने घर में बनाइएगा, अपने मेहमानों को खिलाइए, आप खुद बनाकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे रेगुलर हाई फ्लेम पर। हमने 1 कप दूध बचाया था चावल के लिए, चावल पीसने के लिए, लेकिन उसमें से इतना दूध बच गया है, ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और इसे रेगुलर चम्मच चलाते रहेंगे। फिरनी में हमारे उबाल आ गया है तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, तो फ्लेम को एडजस्ट करते हुए हमें पकानी होगी, कभी कम और कभी तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम उबाल आएगा तो ये निकल भी सकती है, तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस वक्त मैंने स्लो कर दिया है फ्लेम, लेकिन इसमें चम्मच रेगुलर ही चलाते रहेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उस हिसाब की नहीं हो जाती तब तक हमें चम्मच चलाते ही रहना होगा। हमारी फिरनी को पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, कभी मीडियम फ्लेम पर तो कभी स्लो फ्लेम पर। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ धागे, ये सैफ्रॉन यानी कि केसर के, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसमें हम ऐड कर देंगे जो मुनक्के लिए थे हमने, मुनक्कों के बीज निकाल दिए हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। और यहीं पर हम शुगर ऐड कर देंगे, इसे चम्मच चला लेंगे। एक उबाल आने के बाद में 10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, लेकिन स्लो फ्लेम पे पकाते हुए भी हम 1-1 मिनट में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे। फिरनी में हमारे उबाल आ गया है चीनी डालने के बाद में, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची। इलायची को हमने बीज में से बीज निकाल कर तो यहाँ हमने बिल्कुल बारीक कूट लिया है और इसके जो छिलके थे वो हमने चावल के साथ में ग्राइंड कर लिए थे।
ताकि उसके जो खुशबू है बहुत अच्छी सी आ जाए। फिरनी में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम पे इसे हम 10 मिनट पका लेंगे। फिरनी को पकते हुए हमारे तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मावा यानी कि खोया। खोए से जो इसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, इन्हेंस भी हो जाता है। खीर में और ऐसी चीज़ों में डाला जाता है खोया। और इसी में अब हम ऐड कर देंगे 2-3 कतरे केवड़ा एसेंस के, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे आधा नारियल, यहाँ पर थोड़ी से हम यहाँ किशमिश ऐड कर देंगे, और थोड़े थोड़े जो हमने सामान लिए हुए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें से थोड़े थोड़े हम यहाँ ऐड कर देंगे, ताकि कुछ जो मेवे हैं इसके अंदर डालने के बाद में थोड़े से टेंडर हो जाएं। तो ये हमने मिक्स कर देना है और 5 मिनट इसे और स्लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। उसके बाद में हम इसे नीचे उतार लेंगे चूल्हे से, यानी कि गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। 5 मिनट और हो गए हैं हमारी फिरनी को पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि हमारे फिरनी की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ये है और यही होनी चाहिए। ये मुँह में डालने के बाद में मुँह में बिल्कुल घुल जाती है, इसीलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये कभी कभी बनाई जाती है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको कर लेंगे हम डिश आउट थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद में। फिरनी को हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है ठंडा होने के बाद में, ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। और इसको मैं गार्निश करना बताऊँगी कि किस तरीके से गार्निश की जाती है, क्योंकि इसकी एक लेयर बनती है इस तरीके से नारियल की। पहले हमने थोड़ा सा नारियल ऐड किया है, फिर उसके बाद में हम सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं, इसीलिए इसको शाही फिरनी कहा जाता है और इसीलिए इसको स्पेशल ओकेशन पर भी बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम इस पर सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम गार्निश कर देंगे। अब इस पर डालेंगे पिस्ता इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि ये देखने में इतनी यमी है, खाने में माशाल्लाह जैसे मुंह में डलती है ये घुल जाती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसी तरीके से मैंने 3 बाउल भी तैयार करके रखे हैं, ये देखिए। तो शाही फिरनी बनकर हमारी तैयार है, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, अपने बच्चों को दीजिए, अपने बड़ों को खिलाइए, अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करें आप इस रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको ईद के मौके पर आप ज़रूर बनाएँ, रोज़ों में आप ज़रूर इंजॉय करें। तो फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।